लोकसभा 21 मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे प्रेम सिंह साकी के समर्थन में आज इटावा के उसराहर क्षेत्र की भरतिया कोठी में आयोजित एक विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, जो भाजपा के समर्थन में प्रेम सिंह साकी के लिए जनसमूह से वोट की अपील कर रहे थे। वही मंच पर प्रेम सिंह साकी के साथ ही कई क्षेत्रीय नेता भी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से राहुल गांधी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं व अखिलेश कुंभ में स्नान कर रहे हैं। यह परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि आप सभी ने बीजेपी को जिताकर मोदी जी को पीएम बनाया है। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि सोनिया के बच्चों के चक्कर में आप अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। सपा बसपा की हैसियत अब केंद्र में सरकार बनाने की नहीं, बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। 2014 से पहले हमारे सारे विरोधी हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए थे। कांग्रेस हाँ देश के दुश्मनों के साथ है। मोदी जी की सरकार आने पर देश की सेना विश्व स्तरीय बनाई जाएगी। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं चलेंगे। वही मैनपुरी में भी कमल खिलाया जा सकता है क्योंकि सपा का मतलब अब समाप्त पार्टी है और भाजपा का मतलब अब बिल्कुल समाप्त पार्टी हो गया है। इस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग का जो भी मतदाता है वह अपने देश के पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को अवश्य ही मजबूत करेंगे। हमारे पीएम ने देश का सर गर्व से पूरे विश्व में ऊंचा किया है। इससे पहले मनमोहन सरकार में हमें विश्व में शर्मिंदा होना पड़ता था। विश्व के कई देश हमारे पीएम मोदी जी को आजाद सम्मानित कर रहे हैं। मोदी जी ने 5 साल में देश को 50 साल आगे कर दिया है, जो पिछली सरकारें पिछले 70 सालों में भी नहीं कर पाई। के उज्जवल भविष्य के लिए भारत को हिंदुस्तान, भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने के लिए, इस देश से भ्रष्टाचार और आतंकवाद को मिटाने के लिए, इस देश से गरीबी का अंत करने के लिए, इस देश की युवा पीढ़ी को रोजगार के इतने अवसर प्रदान करिए कि कोई युवा मेरा बेरोजगार ना बचे। मेरे मोदी जी ही ये कर सकते हैं। अभी ये जो पैसा आपको आ रहा है ना, जो बिजली मिल रही है, जो सड़क बन रही है, जो उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की गरीबों को सुविधा मिली है, जो किसान सम्मान निधि मिली है, जो श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत, कोई कहता अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कहता मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, कोई कहता राहुल गांधी, कोई कहते हैं ममता बनेंगी, और कोई कहता है कि चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, कोई कहता शरद पवार बनेंगे। इतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा पता नहीं है। जैसे किसी बारात में सारे बाराती तो तैयार हो गए लेकिन दूल्हे का था पता नहीं, बिना दूल्हे की बारात। सारे विरोधी मिलकर के केवल क्या काम है, कहे मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। क्यों रोको? क्योंकि ये मोदी आएगा तो गरीबी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी तो हमारी पार्टी नहीं रहेगी। क्योंकि जातिवाद के आधार पर जो जाति समीकरण बना करके आए थे ना मोदी जी को रोकने, उनका जाति समीकरण मोदी समीकरण के आगे फेल हो गया। भारत की जनता का ख्याल रखते हुए भारत माता के मस्तक पर विश्व गुरु के स्थान पर बैठने वाला मुकुट बांधने के लिए क्या कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी है? और कभी कल्पना करते थे कि एक मुस्लिम देश के अंदर अरब में जाकर के वहां के सुल्तान से जमीन लेकर के भव्य मंदिर बन गया है अरब में, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। ये मोदी जी ही कर सकते हैं। अगर मोदी जी देश का विकास भी कर सकते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी कर सकते हैं, मोदी जी आतंकवाद का अंत भी कर सकते हैं, मोदी जी बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, मोदी जी नौजवानों के लिए रोजगार सृजित कर सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, पाकिस्तान चीन को छोड़ दो तो दुनिया का हर देश आज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलता हुआ दिखाई देता है। और आज मेरे सोशल मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, अमेरिका का भी चुनाव होता है तो वहां का राष्ट्रपति बनने के लिए जैसे यहाँ आपने नारा लगाया था ना अब की बार मोदी सरकार, तो वही आपका नारा वहां अमेरिका वाले ले गए भाई अब की बार ट्रंप सरकार, वहां वो राष्ट्रपति बने। का जो दौरा हुआ है किस तरह का दौरा है? कमल खिलाने आया हूँ मोदी जी को। मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मैं भी प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। प्रेम सिंह साकी जी को जिताने और मुलायम सिंह यादव जी का जो आशीर्वाद है उसे सफल बनाने आया हूँ, इसलिए मैनपुरी में मैं कमल खिलाने आया। लेकिन प्रियंका गांधी, उमा भारती ने एक बयान दिया है कि प्रियंका गांधी जो है जो चोर की पत्नी है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? जो दिया है उमा भारती जी ने बयान, तो उसमें उमा भारती जी से पूछना चाहिए। अगर कोई चोर होगा, कोई भ्रष्टाचारी होगा, कोई किसी के खिलाफ आरोप होगा तो उस बात में उन्होंने कुछ कहा होगा।
और अभी देश में कमल खिल रहा है, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। सपा के कद्दावर नेता आजम खान, उन्होंने जय प्रताप काफी टिप्पणी की है, क्या लगता है उनका बयान ही कर रहा है? उन्हें रामपुर की जनता भी जवाब देगी और सपा बसपा के गठबंधन को प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। नारी का अपमान देश सहने। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए इदरीस फारूकी की रिपोर्ट, इटावा। जनपद मैनपुरी में कस्बा ओछा में लगे चैन ऋषि के मेले में मेले देखने आए परडिया गांव के लोग अपने बच्चे का मुंडन कराकर वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक सामने से ट्रक आ गया, जिसके चलते ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में कट मार दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और दबकर तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रूबी यादव की रिपोर्ट, मैनपुरी। हरदोई जनपद के बीरेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख संडीला से सपा को तगड़ा झटका दिया। मलेरा स्टेट जानी मानी सियासत चली आ रही थी, जहां के ब्लॉक प्रमुख बीरेंद्र सिंह राजा मलेरा राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के साथ सपा छोड़कर भाजपा में सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हो गए। वहीं माननीय पूर्व सांसद बसपा छोड़कर आए भाजपा में, जिनको हरदोई जनपद के विधायकों ने अशोक कुमार रावत को जिताने का दृढ़ संकल्प लिया। साथ ही विधायक राजकुमार अग्रवाल, प्रभाष कुमार, रामपाल वर्मा, आशीष कुमार, श्याम प्रकाश आदि विधायक छोटे बड़े कार्यकर्ता व भारी संख्या में जनता मौजूद रही। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद हरदोई में थाना ओछा क्षेत्र के पढ़िया चौराहे के निकट का मामला, जहां पर मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ बड़ा हादसा, दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत। वहीं ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, बचाव कार्य में जुटे घायलों को एम्बुलेंस में सवार कर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जीत कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।